ओवर थिंकिंग या निगेटिव सोच कैसी कम करना है उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति अध्ययन महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी लोग आते रहते हैं जो बहुत विचार आते हैं, इतना ज़्यादा थिंकिंग होता है, इतना ओवर थिंकिंग करते हैं वो, और उनको फिर उसमें से नुकसान भी होते रहता है। और ज़्यादातर जब ओवर थिंकिंग है तो ज़्यादातर थॉट्स जो है वो निगेटिव ही है, नकारात्मक सोच कंटिन्यूस आती रहती है, कंटिन्यूस आती है नकारात्मक सोच। क्या है कि नकारात्मक सोच आना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, नकारात्मक सोच आ रही कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर नकारात्मक सोच जब आपके हेल्थ के ऊपर असर कर रही है, खान पान के ऊपर असर कर रही है, आपकी जो आपके जो परिवार के रिश्ते हैं उसमें दरार ला रही है, क्योंकि वहाँ भी नकारात्मक नकारात्मक आप सोच रहे, आपका सामाजिक जीवन जो उसमें भी वो दरार ला रही है, क्योंकि आप लोगों से मिलते जुलते नहीं, वहाँ भी आप नकारात्मक सोच करेंगे तो लोग आपको टालते रहते हैं। अब आप जहाँ काम करते हैं वहाँ भी आप नकारात्मक सोच ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो वहाँ भी प्रॉब्लम कर रही है, मतलब सोशल ऑक्यूपेशनल फैमिली पर्सनल सभी लाइफ में जब ये ओवर थिंकिंग या निगेटिव थिंकिंग अफेक्ट करती है तो वो प्रॉब्लम होता है। ओवर थिंकिंग ठीक नहीं, क्या नहीं ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत थिंकिंग करो उसका, पूरा इधर से उधर से पूरा सारा सारा विचार करो और बाद में निर्णय लो, मगर वो यदि थिंकिंग अफेक्ट करती है प्रोडक्टिविटी के ऊपर, उत्पादन क्षमता के ऊपर, ज़्यादा ज़्यादा सोच, सिर्फ सोचते रहते काम करते नहीं है, उसको बोलते हैं कि पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस, इतना पैरालिसिस हो जाता है कि आप एनालाइज करते करते पूरा पैरालाइज हो जाते, तो उसमें क्या करना है। देखिए, जो थिंकिंग करने वाले जो लोग हैं, जो नकारात्मक सोच वाले लोग हैं, तो नकारात्मक सोच आती कैसे है और उसको ठीक कैसे करना है। क्या है कि नकारात्मक सोच लेने वाले या ओवर थिंकिंग वाले लोग जो है वो, देखिए उनकी सोच चालू कहाँ से होती है वो देखना पड़ेगा। देखो, हमारे वातावरण में कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ होते रहता है, देर आर इवेंट्स, सुबह उठने से रात को सोने तक इवेंट्स आते रहते हैं, इवेंट्स होते रहते हैं, सिचुएशंस में कुछ ना कुछ होते रहता है। आप सुबह उठते हैं और नल को पानी नहीं है, सुबह उठते हैं इसलिए उठे कि एसी बंद हो गया, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इवेंट चालू है। सुबह उठते हैं और दूध नहीं है, आपको चाय की आदत है और चाय नहीं मिल रहा है। सुबह उठते हैं आपको पेपर पढ़ने की आदत है और पेपर वाला ही नहीं आया, न्यूज़पेपर नहीं आया, अखबार ही आया नहीं, या घर में काम करने वाले नौकरानी ने फ़ोन कर दिया कि आज वो आने वाली नहीं है, या बच्चे को बुखार दिख रहा है आपको भी, क्या करना। तो ऐसे कंटिन्यूसली इवेंट होते रहते हैं। हम निगेटिव थिंकिंग कब शुरू होता है या प्रॉब्लम कब होता है कि जो भी कुछ इवेंट है, कुछ इवेंट अच्छे होते हैं, कुछ इवेंट बुरे होते हैं। अच्छे इवेंट जो है वो हमको ज़्यादा दिमाग में टिकते नहीं, वो निकल जाते, उसके ऊपर ज़्यादा सोचते नहीं। निगेटिव इवेंट जो है वो बाय कंडीशनिंग, आदत, आदत से मजबूत या मजबूर कि वो निगेटिव इवेंट जो है ना वो दिमाग में बहुत चालू रहते हैं कंटिन्यूसली। तो निगेटिव इवेंट, इवेंट निगेटिव नहीं है, देखिए इवेंट निगेटिव थोड़ी होता है, इवेंट इवेंट होता है, आपके सोचने के मुताबिक वो इवेंट हुआ नहीं है, आप जैसा उसके तरफ उद्देश्य आपका जो था वो उद्देश्य पूर्ति हुई नहीं है, आपकी जो अपेक्षा थी वो अपेक्षा पूर्ति हुई नहीं, आपके मन जैसा नहीं हो रहा है, वातावरण में जो हो रहा है वो हो रहा है, आपके मन जैसा नहीं हुआ और आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप उसका नकारात्मक अर्थ निकालते रहते हैं, आपका थिंकिंग चालू हो जाता है और वो शूटअप हो जाता है, चालू हो जाता है, तो वो कंटिन्यूसली ऑन गोइंगली चालू 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 हो जाता है। पेपर वाला नहीं है, एक इवेंट हो गया, दूध नहीं है, एक इवेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, वो एक इवेंट हो गया, आप उठे और बच्चों को बुखार आ गया, इवेंट हो गया, आप उठे और आपको दिखा कि मोबाइल हैंग है या डाउन हो गई पूरी बैटरी और चार्ज नहीं है मोबाइल, पता नहीं इंपॉर्टेंट कॉल्स आने वाले थे उसका क्या हो गया, आप डिस्टर्ब हो गए, तो ये इवेंट होते रहते हैं। और आप क्या करते हो कि बाय कंडीशनिंग एक आदत, उसको निगेटिव अर्थ लगाते रहते हो, एक ऐसी आदत है कि वो एक ऐसी कंडीशनिंग है कि उसको निगेटिव अर्थ लगाते हो। अभी निगेटिव अर्थ कैसा है कि समझो आप रास्ते पे से जा रहे हैं, आप रास्ते पे से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, उधर से एक व्यक्ति आ रहा है जो आपका करीबी है, दोस्त है या रिलेटिव है, अब वो उसके फिराक में है, उसको कहीं तो भी जल्दी जल्दी जाने का है, उसके दिमाग में कोई टेंशन है और उसने आपके तरफ देखा नहीं, आपने उसको उसके तरफ देखा मगर उसने कोई आपको हेलो हाय नहीं किया,
आपने भी नहीं किया, वो चले गया, आप घर पे आ गए। अब आप घर पे आ गए, मगर उस समय जो हुआ कि उसने मेरे तरफ देखा नहीं, ये घटना हो गई। हमने क्या किया, अभी ये ओवर थिंकिंग वाले ने उसका अर्थ ये लगाया कि देखो उसने मेरे तरफ देखा नहीं, इसका मतलब वो मुझे टाल दिया, उसने मुझे टाल दिया, वो मेरे को निग्लेक्ट करता है, वो मेरे को इग्नोर करता है। अब वो इग्नोर कर रहा है, वो निग्लेक्ट कर रहा है, उसने मेरे को टाल दिया है, ऐसा उसका इवेंट का एक इवेंट हो गया, उसके उसके साथ में एक थॉट लगा दिया, वो थॉट आ गया। उसको बोलते हैं कि उसका इंटरप्रिटेशन, वो इवेंट का इंटरप्रिटेशन, उसका अर्थ, उसके साथ में एक थॉट आ गया और वो यूजलेस थॉट आ गया, मतलब वो एक्चुअली डिसफंक्शनल थॉट है, वो कोई फायदेमंद थॉट नहीं है, मगर वो थॉट आ गया कि उसने मुझे निग्लेक्ट किया, उसने मुझे इग्नोर किया। अब वो दिमाग में लेके आप, विचार लेके आप आ रहे घर पे आ गए, और आप डिस्टर्ब हो गए कि उसने मुझे निग्लेक्ट किया, उसने पिछले बार भी ऐसा मुझे निग्लेक्ट किया था। अच्छा वो नहीं, बाकी भी सब दोस्त आजकल मुझे निग्लेक्ट करते रहते हैं, चल होगी थॉट्स की ट्रेन, मेरे बॉस ने भी मेरे तरफ देखा नहीं आज, पता नहीं क्या हो गया, क्या मुझे प्रमोशन नहीं मिलने वाला है, मेरे सब दोस्त आजकल मुझे निग्लेक्ट क्यों करते हैं, मैंने कल उसको बोला था कि इधर आ जाए, वो आया नहीं, कल उसने फोन भी नहीं किया, चल आजकल मतलब वो एक व्यक्ति ने आपके तरफ देखा नहीं, आप वो विचार में मशगूल हो गए, घर में आ गए, घर में आ गए आप बैठ गए, मूड नहीं है बात करने का, विचार वो चालू है। अब घर के लोग देखे ये बात नहीं कर रहा है, क्या हो गया भाई, डिस्टर्ब हो गया होगा, वो बात करने की कोशिश करते तो आप उनकी तरफ नज़रअंदाज करते क्योंकि आपके दिमाग में ये चालू है। फिर बोलते कि जान दो इसके साथ में बात ही नहीं करेंगे, वो भी दूर चले जाते, बच्चे दूर चले जाते। फिर आप बोलते कि देखो मेरे पास में कोई आ नहीं रहा है, मेरी पत्नी भी नहीं आ रही, बच्चे भी नहीं आ रहे, वो भी मुझे निग्लेक्ट कर रहे। देखो वो एक्चुअली आ रहे थे, आपने देखा नहीं, आपने उनके तरफ मतलब उनको निग्लेक्ट किया, इग्नोर किया। अब आपने उसका भी एक अर्थ निकाल लिया कि वो भी आजकल मुझे निग्लेक्ट करते हैं, मेरे परिवार के भी लोग निग्लेक्ट कर रहे, मेरे घर के भी लोग निग्लेक्ट कर रहे, रिलेटिव्स भी मेरे निग्लेक्ट कर रहे, अभी मेरे जीने का फायदा ही क्या है, मैं तो बहुत निकम्मा आदमी हूँ, मेरे में कुछ पड़ी नहीं है, मेरा तो हरदम का ऐसा है, मुझे इतनी बुद्धि नहीं है, देखो आजकल मुझे काम में मजा भी नहीं आ रहा। चालू हो गया थिंकिंग, एक इवेंट हो गया। अब वो इवेंट यदि हमको, यदि हमारे रिश्ते ठीक करना है, हमको प्रोडक्टिविटी लाना है, तो हमको ये जो है इसको खोदना पड़ेगा, इसके डीप में जाना पड़ेगा कि चालू कैसे हुआ। अब आपको ये नहीं मिला कि वो चालू कहाँ से हुआ, शुरुआत कहाँ हुई, कि वो जो रिलेटिव था या दोस्त था, वो जो अपने को क्रॉस हो गया, उसने मेरे तरफ देखा नहीं, वहाँ से वो चालू हो गया। बस वो यदि आप आइडेंटिफाई किए और फिर अपने आप से डिबेट किया, अपने आप से डिबेट किया कि अरे भाई उसने मुझे मेरे तरफ देखा नहीं, हो सकता है कि उसको कोई चिंता होगी, उसको कोई तभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, वो उसके फिराक में होगा, हो सकता है उसने मेरे को देखा ही नहीं होगा, मैंने एक्चुअली उसको पूछना चाहिए था कि भाई तुझे क्या प्रॉब्लम आ गया, भाई कोई प्रॉब्लम तो है, क्या हो गया, ऐसा मैंने करना चाहिए था। मतलब आप अलग अलग इंटरप्रिटेशन, उसके मीनिंग आप अलग अलग निकाल सकते हैं, जो आपने निगेटिव मीनिंग निकाला वो आप पॉजिटिव मीनिंग भी निकाल सकते हैं कि अरे उसको मैंने मदद करनी चाहिए, वो बेचारा कुछ तो भी फिराक में होगा, उसको कुछ तो भी डर होगा, उसको कुछ तो भी चिंता होगी, वो अपने कुछ तो भी प्रॉब्लम में होगा, वो इसलिए जल्दी जल्दी जा रहा था, मैंने उसको सपोर्ट करना चाहिए था। तो एक मीनिंग ये है कि उसने मुझे इग्नोर किया, एक मीनिंग हो सकता है। दूसरा मीनिंग हो सकता है कि वो अपने चिंता में था इसलिए उसने मेरे तरफ देखा नहीं होगा, ये एक मीनिंग निकाल सकते हैं। अब कौन सा मीनिंग लेना, ये अपने ऊपर है। अब वो दूसरा मीनिंग लेते हैं तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो इसको बोलते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT। और CBT में होता क्या है कि ये जो डिसफंक्शनल थॉट है, ये जो इंटरप्रिटेशन है, जो इवेंट होता है उसका जो इंटरप्रिटेशन, उसका जो मीनिंग, उसका जो अर्थ निकालते हैं, वो अर्थ वहाँ जड़ में जाके वो उसको डिबेट करना पड़ता है कि क्या ये सही है, क्या ये लॉजिकल है, क्या ये रैशनल है, क्या ये सच है। मगर वो पेशेंट इतना अंदर चले जाता है, समझो वो पेशेंट बन गया है डिप्रेशन का, तो कि वो इतना डिबेट नहीं कर सकता, इतना सोचता भी नहीं है, इतना अंदर घुस जाता है। यहाँ फिर लगती है ज़रूरत साइकोथेरेपिस्ट की, हमारे जैसे साइकियाट्रिस्ट की, कि वो CBT से उसका इलाज करेंगे, उसको वो 1-to-1 उसका क्या रिश्ता है थॉट्स का, वो डिसफंक्शनल थॉट कौन से, वो इंटरप्रिटेशन उसने कैसा गलत किया है, उसको वो प्रेजेंट करवा के देंगे। CBT या साइकोथेरेपी हमारी इतनी पावरफुल होती है कि ऐसे कुछ स्टडीज है कि CBT दवाई के साथ साथ, मतलब दवाई के साथ साथ दिया तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आएंगे, कभी दवाई भी नहीं दिया और CBT दिया तो भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मतलब कुछ लोग बोलते नहीं हमको दवाई नहीं होना, हमको सिर्फ साइकोथेरेपी करो तो उससे भी रिजल्ट्स आते हैं। तो ये इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट हैपन,
जो भी हुआ उसका अर्थ क्या है वो सीबीटी से हम करेक्ट करते हैं। क्यों, क्या हो गया कि ये जो भी घर पे आया, घर पे अभी वो उसके वही मीनिंग लगा दिया, अब वो मीनिंग लगा दिया उसके बिहेवियर जो है वो शांत है, ठंडा बैठा हुआ है, डाउन है, विचार चालू है, उसके बिहेवियर के ऊपर असर आ गया। अभी वो भी बोलना बंद कर दिया घर के लोगों ने, वो कुछ आती है अभी दिमाग में विचार, देखो ये भी मेरे को पूछते नहीं, देखो ये भी मेरे से दूर जा रहे हैं, अभी उसके ऊपर आप चिल्लाते हो, आपने चिल्ला दिया, आपका बिहेवियर बराबर नहीं हुआ, वो आपकी पत्नी डिस्टर्ब हो जाएंगी, वो आपकी पत्नी डिस्टर्ब हो गई और दूर चले जाएंगी, वो दूर गई फिर इवेंट डायर हो गया, वो दूर गई देखो वो भी मुझे टाल रही है, फिर वापस दिमाग में आ गया। मतलब क्या है कि एक घटना होती है उसका निगेटिव इंटरप्रिटेशन दिमाग में होता है, निगेटिव इंटरप्रिटेशन इमोशंस पैदा करते हैं डिप्रेशन के, चिंता के, वो इमोशंस बिहेवियर देते हैं, बिहेवियर से फिर वातावरण निर्मिति में फर्क होता है, वातावरण खराब हो जाता है, मेरे बिहेवियर से वातावरण खराब हो गया कि वो एक इवेंट तैयार होता है, वो इवेंट फिर से दिमाग में इंटरप्रिटेशन देता है, ऐसा विशेष चक्रव्यूह में आदमी फंस जाता है, उसको बाहर निकलने का काम हम साइकोथेरेपी से, हिप्नोथेरेपी से सब करते रहते हैं। आपको इसमें और कोई जानकारी चाहिए तो जरूर हमारे संपर्क करो। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।